हाय फ्रेंड्स, मैंने HDFC का टाटा न्यू कार्ड लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और मैंने कैसे इसको अप्लाई किया और इसके पूरे फीचर्स बताऊँगा। इसमें दो तरह के कार्ड है, टाटा न्यू प्लस कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड। और ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं है, उसके क्या क्राइटेरिया है, क्या लिमिटेशन है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके पूरी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए और चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये टाटा न्यू का इन्फिनिटी कार्ड और ये इसके मेन फीचर है, लाउंज एक्सेस, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स और जो भी बेसिक डिटेल्स है फीचर्स की वो सारी दे रखी है। और ये है आपका कार्ड, बहुत प्रीमियम लगता है कार्ड। और ये इसके फीचर्स आप पढ़ सकते हैं और बाकी तो इसके HDFC के सारे डिटेल हैं, आपका कार्ड एग्रीमेंट है, ये पिन कैसे सेट करना है वो है, और उसके अलावा ये व्हाट्सएप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ये सारी डिटेल HDFC की बैंक की, और ये कॉन्टैक्टलेस आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं वो सारी डिटेल है, और ये सारे कार्ड के सारे चार्जेस और ये सारी डिटेल है जो मोस्टली पढ़ते नहीं, पर जो ज़रूरी चीज़ें मैं वो आपको आगे समझाऊंगा। चलो तो मैं अब इसके सारे फीचर्स और सारे डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेलकम बेनिफिट से। तो आप देख सकते हैं इसमें दो कार्ड है, जो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है वो अगर आपने लिया तो आपको 499 न्यू कॉइन्स एज ए वेलकम बेनिफिट मिलते हैं, और ये आप जो कॉइन्स हैं ये 365 डेज यानी 1 ईयर तक वैलिड रहते हैं और तब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको 1499 न्यू कॉइन्स मिलेंगे, तो ये भी आप 365 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो इनका कार्ड का जो प्राइस है, जो 1499 टाटा इन्फिनिटी कार्ड के लिए और 499 टाटा प्लस कार्ड के लिए, वो आपको रिवॉर्ड फॉर्म्स और न्यू कॉइन की फॉर्म में वो आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके जो चार्जेस है उसमें GST भी लगता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत सारे कस्टमर्स के लिए ये फ्री भी है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड भी है, तो वो आप आगे देखेंगे कि ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है या फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो आप आगे देख सकते हैं। तो अब लाउंज एक्सेस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ, उसमें सिर्फ डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस अवेलेबल है। उसमें 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर कैलेंडर 1 in a quarter, मतलब एक क्वार्टर में एक ही आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ₹2 कार्ड पे चार्ज किया जाएगा लाउंज एक्सेस पे, विच इज़ वेरी नॉमिनल, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा अगर आपने क्वार्टर में अगर यूज़ किए तो आपको लाउंज में वो चार्जेस देने पड़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लाउंज एक्सेस जो वीज़ा कार्ड है, जो टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में है। डोमेस्टिक में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं, यानी 2 पर क्वार्टर मिलते हैं, और इसमें भी ₹2 चार्जेस आपके कट सकते हैं लाउंज में, विच इज टिल नॉमिनल। और इंटरनेशनल लाउंज के लिए आपको जब वीज़ा कार्ड है तो आपको उसमें एक प्रायोरिटी पास अलग से मिलता है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड के साथ एक और कार्ड मिलता है प्रायोरिटी पास, उसके थ्रू आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर कैलेंडर ईयर, अगेन 1 in a quarter। और इसमें अगर आप 4 से ज़्यादा पर क्वार्टर में अगर एक्सीड कर जाते हैं तो आपको $27 प्लस GST चार्ज हो जाएगा, तो आप उससे ज़्यादा ना करिए अगर इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हैं वीज़ा में। तो ये ध्यान रहिए कि प्रायोरिटी पास जो है वो आपको सिर्फ इंटरनेशनल लाउंज में यूज़ करना है, और इंडिया में अगर आप हैं तो फिर आपको अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना है। प्रायोरिटी पास से भी आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रायोरिटी पास अगर आपने इंडिया में यूज़ किया तो आपको डेफिनेटली वो फिर से चार्जेस लग जाएंगे। तो प्रायोरिटी पास सिर्फ इंटरनेशनल लाउंज के लिए यूज़ करिए, और अगर डोमेस्टिक लाउंज है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करिए। इसके बाद रुपए की बात करते हैं, तो रुपए में जो आप अगर इन्फिनिटी कार्ड मिलता है आपको, तो उसमें 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज है, अगेन 2 in a quarter, और ₹2 पर विजिट का चार्ज लग सकता है उसमें। और इंटरनेशनल लाउंज जो है वो 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस है पर कैलेंडर ईयर और 1 पर क्वार्टर है, और इसमें आपको $3.25 चार्ज किया जाएगा एक्सेस के लिए। इसके लिए कोई प्रायोरिटी पास नहीं है, प्रायोरिटी पास सिर्फ वीज़ा में, रुपए में आपको कोई प्रायोरिटी पास नहीं है, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखा के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ये कि रुपए में इंटरनेशनल पे उसका एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है, वीज़ा के एक्सेप्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप इंटरनेशनल लाउंज के लिए लेना चाहते हैं तो आप वीज़ा प्रेफर करिए, अदरवाइज़ मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप रुपए लीजिए उसको। अब बढ़ते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर के लिए। तो जो न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर हो जाता है, और सारे फ्यूल स्टेशन पे होता है, लेकिन मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 होना चाहिए और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 5000 होना चाहिए। और एक स्टेटमेंट साइकिल में इसका मैक्सिमम वेवर 250 होता है, यानी 250 1% है,
तो अराउंड 25,000 का अगर आपने एक महीने में पेट्रोल भराया, उसके ज़्यादा हुआ तो 1%, आई थिंक 25,000 से ज़्यादा तो पेट्रोल नहीं भराएंगे, तो विच इज़ ओके। लेकिन अगर टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका जो मैक्सिमम वेवर है वो 5,500 है, मतलब 50,000 का पेट्रोल अगर आप भराएंगे तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वे हो जाता है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि फ्यूल जो पे जो स्पेंड करते हैं उस पे आपको नियोकाइन नहीं मिलता है, तो सिर्फ आपको जो सरचार्ज लगता है पेट्रोल पंप पे वही वेव होगा। तो दोनों में 1% है मैक्सिमम लिमिट, आई डोंट थिंक कि 25,000 से ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल ओके। अगर आप 25,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप इन्फिनिटी कार्ड लीजिए। इसके बाद इसके बेसिक रिवॉर्ड पॉइंट्स पे आते हैं, तो मैंने दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे ऐड किया है, टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड का और टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड का साइड बाय साइड। तो टाटा न्यू प्लस कार्ड पे आप अगर कोई भी जो टाटा न्यू ऐप पे अगर परचेज करते हैं तो आपको 2% कैशबैक मिलता है। मैंने यहाँ पे 2% इसलिए लिखा है, एक्चुअली 7% है, लेकिन 5% आपको न्यू ऐप पे आप ऐसे भी अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 5% तो मिलता है, इस कार्ड के थ्रू किया तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब टोटल 7%। और अगर टाटा इन्फिनिटी कार्ड है, न्यू इन्फिनिटी कार्ड, और आप टाटा न्यू ऐप से करते हैं तो आपको 5% न्यू कॉइन के फॉर्म में मिलते हैं। इसका मतलब आपको 5% तो टाटा न्यू से मिलेंगे और 5% इस कार्ड से मिलेंगे, जो 10% हो जाता है। इसके अलावा अगर आप नॉन टाटा ब्रांड पे स्पेंड करते हैं कहीं पे भी बाहर, तो आपको टाटा प्लस पे 1% न्यू कॉइन के फॉर्म में कैशबैक मिलता है, और 1.5% आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी पे मिलता है। मतलब अगर टाटा न्यू के अलावा आप किसी भी ब्रांड पे यूज़ कर रहे हैं बाहर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, टाटा प्लस पे 1% और टाटा न्यू पे 1.5% न्यू कॉइन्स के फॉर्म में मिलता है। और ये याद रखें, आप इस कार्ड में रिवॉर्ड सारे न्यू कॉइन्स के फॉर्म में मिलते हैं, और न्यू कॉइन्स आप आगे देखेंगे कि सिर्फ टाटा न्यू ऐप पे आप उनकी उनके टाटा के जितने भी ब्रांड्स हैं वहाँ पे आप रिडीम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट में नहीं आते, ये सिर्फ नियो कॉइन के फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा आप अगर यूपीआई से आप लिंक किया हुआ है, ऑब्वियसली रुपे कार्ड ही आप है जो यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, तो यूपीआई से अगर आपने लिंक किया तो 1% नियो कॉइन मिलता है। ये बड़ा एडवांटेज है, इसलिए मैं बोल रहा था कि रुपे कार्ड आप चूज करिए, क्योंकि यूपीआई हम हर जगह यूज़ करते हैं और यूपीआई में हमको अभी बहुत ज़्यादा कैशबैक या बाय डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड से एक तो पे नहीं कर सकते और उसके बाद भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो इसमें यूपीआई से पे करने के बाद क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं और उस पर आपको 1% प्लस पे, और अगर इन्फिनिटी है तो 1.5% आपको न्यू कॉइन की फॉर्म में रिवॉर्ड्स बैक मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अगर टाटा न्यू ऐप के थ्रू करते हैं तो ऑब्वियसली 5% कैशबैक मिलता है इन फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स अगेन, तो इसलिए आपको टाटा प्लस पे टोटल 7% न्यू कॉइन्स मिलेंगे टाटा न्यू ऐप पे, और टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड पे टोटल 10% आपको न्यू कॉइन्स मिलेंगे। बस एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पे अगर आपके पास टाटा न्यू प्लस कार्ड है तो जो ग्रॉसरी पे अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कैपिंग है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा आप रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं अर्न कर सकते हैं प्लस पे, और अगर इन्फिनिटी कार्ड है तो आप 2,000 रुपीज़ पर मंथ ग्रॉसरी पे ही रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो ये कैपिंग है, ये एक लिमिटेशन है जो ग्रॉसरी पे मोस्टली बिग बास्केट या बिग बीबी नाउ के थ्रू अगर आप करते हैं तो उससे ज़्यादा की आप नहीं कर पाएंगे, तो आप ये सोचें कि 10% हमेशा आप मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट 5% तो आपको हमेशा मिलेगा ही, तो आप उसके कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इसमें 5% इन्फिनिटी पे और 2% प्लस पे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा ग्रॉसरीज पे। अब आप ये रिवॉर्ड्स पे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्यूल स्पेंड पे कोई आपको रिवॉर्ड्स या न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे, वॉलेट रीलोड्स पे कोई नहीं मिलेंगे। आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन EMI में कन्वर्ट करवा लेते बाहर बाद में जाके भी, तो भी उस पर जो न्यू कॉइन्स बनते हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैं ग्रॉसरी पे आपको बता चुका हूँ कि 1,000 रुपीज़ का कैपिंग है टाटा न्यू प्लस कार्ड पे, 2,000 रुपीज़ का कैपिंग है टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड पे, और अगर आप रेंटल या गवर्नमेंट रेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो भी अभी ये गवर्नमेंट का नॉट जस्ट दिस कार्ड, वो किसी भी कार्ड पे आपको पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो आप रेंट पे कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उस पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, ये 1 जनवरी से RBI ने इम्पोज कर दिया है, तो ये नहीं आपको मिलेंगे। और जब आप अगर टाटा न्यू इन्फिनिटी का कार्ड लेते हैं तो एक इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है जो टाटा प्लस पे नहीं मिलता है, तो एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर मिलता है 1 करोड़ का, मतलब अगर प्लेन क्रैश होता है या एयर क्रैश होता है और उसमें डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है एक्सीडेंटल, टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड ओनली उस पर। और इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ओवरसीज अगर इंडिया के बाहर है और इमरजेंसी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो आपके पास अगर इन्फिनिटी कार्ड है तो आपको 15 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है किसी भी वजह से या उस पर कोई फ्रॉड होता है तो उसका कवर भी 9 अप टू 9 लाख तक का कवर है, और ये सारे फीचर्स सिर्फ टाटा न्यू इन्फिनिटी
क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल है, प्लस पे कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं है। और अब आप न्यू कॉइन्स रिडम्शन की अगर हम बात करें, तो न्यू कॉइन जो है वो टाटा न्यू ऐप के थ्रू आप उसको रिडीम कर सकते हैं, या फिर कोई भी ब्रांड पे आप टाटा के स्टोर पे जाके, फिजिकल स्टोर पे जाके भी कर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन की बात करें तो एयर एशिया इंडिया पे आप कर सकते हैं, बिग बास्केट पे कर सकते हैं, क्रोमा तो उसका ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, वहाँ पे भी जाके आप रिडीम कर सकते हैं। और वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको उसके जो 5% इन्फिनिटी पे है या फिर प्लस पे 2% है वो भी मिलेगा। वेब साइट स्टोर पे मिल सकता है, टाटा क्लिक लग्जरी, होटल बुकिंग जो परचेज है, जो टाटा की बुकिंग है, ताज होटल्स और IHCL के अंदर जो भी होटल्स आती हैं वहाँ पे मिलेगी। Tata 1mg जो मेडिकल के प्रिस्क्रिप्शन और लैब्स के लिए अगर आप कुछ लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। क्यूमिन भी है, वो भी एक लग्जरी जो 5-स्टार होटल्स हैं ताज की, वहाँ से जो फूड ऑर्डर होता है उसकी साइट है क्यूमिन। अब वहाँ से भी अगर ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको न्यू कॉइन्स रिडीम भी कर सकते हैं, और आपको वो एप्लीकेबल इस कार्ड के थ्रू पे करते हैं तो आपको मिलेगा भी। और टाइटन और तनिष्क पे ध्यान रखिए कि ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उनके फिजिकल स्टोर पे जाएंगे तो तनिष्क और उस पर आपको कोई न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ टाटा न्यू के ऐप के थ्रू अगर आप कोई ज्वेलरी या टाइटन के वॉचेस खरीद रहे हैं तो जो इनकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ऑनलाइन पे ही अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर पे नहीं अवेलेबल है। और ये जो भी न्यू कॉइन्स अवेलेबल है ये 365 डेज तक वैलिड है, आप वो देख सकते हैं। आप जब भी आपने लास्ट ट्रांजेक्शन किया और जब भी उसका जो क्यू न्यू कॉइन्स क्रेडिट हुआ उस डेट से 365 डेज तक वो न्यू कॉइन वैलिड रहेंगे। इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी पे आ जाता हूँ। न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की जो एलिजिबिलिटी है, अगर सैलरीड पर्सन है तो मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 60 ईयर्स का होना चाहिए, और नेट मंथली इनकम जो है 25,000 से ज़्यादा है तो आप न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियन नेशनल है तो 21 ईयर्स मिनिमम एज और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक हो सकते हैं आप। और अगर आप ITR भर रहे हैं तो वो 6 लाख पर एनम जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए तो आप नियो प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, अगर आप सैलरीड इंडियन नेशनल हैं तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स तक की होनी चाहिए, और नेट मंथली इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियन नेशनल है तो आपकी एज 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक आप हो सकते हैं, और ITR जो है वो आपको 12 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो आप टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका क्राइटेरिया, बट बाय डिफॉल्ट भी आप टाटा न्यू ऐप में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल है। अब इसकी फीस और सर चार्जेस के बारे में बता देते हैं। जो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है उसकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल जो फीस है वो 499 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो कि GST है, तो आपको 499 फिर 18% GST लगेगा तो वो आपको मिलेगा। लेकिन इसके बेस पे आपको 499 अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो 499 आपको न्यू फॉर्म्स की फॉर्म में वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। बट यही याद रहे ये फीस आपको हर साल लगनी है, लेकिन जो न्यू कॉइन आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर मिलेंगे। और इसमें भी अगर आप अपना ये जो फीस है वो वेव करना चाहते हैं तो अगर आपका स्पेंड इन अ ईयर 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो आपकी जो ये रिन्यूअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। और अगर टाटा न्यू इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल मेंबरशिप फीस है वो 1499 प्लस टैक्सेज है जो GST है वो है। और सिमिलरली वेलकम बेनिफिट अगर आप पे कर रहे हैं तो वेलकम बेनिफिट से आपको 1499 के न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे तो आपको सिर्फ GST पे करना पड़ेगा अगर आप उस तरह से देखें तो। और लेकिन अगेन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए आपको न्यू कॉइन्स मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको उसके रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी। अगर आपने 3 लाख से ज़्यादा एक साल में स्पेंड किए इस कार्ड पे तो आपकी रिन्यूअल डेट से आपको ये रिन्यूअल फीस है जो वेव ऑफ हो जाएगी। तो मैं इसके की टेक अवे बताता हूँ कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसका सबसे यूनिक फीचर जो है, अभी बहुत कम क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है जो मतलब बहुत ही पॉपुलर जो बैंक्स है उसमें सिर्फ HDFC का एक ऐसा ये रुपए का कार्ड है जो आप UPI को सपोर्ट करता है और जो उसमें आपको 1.5% का रिवॉर्ड्स मिलता है, मतलब UPI से आप 1.5% का रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं आपको। तो ये एक फीचर है, अगर आपके पास रुपए का कोई कार्ड नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा, और आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा आप रेगुलरली बिग बास्केट से ग्रॉसरीज ले रहे हैं या फिर 1mg से ले रहे हैं तो, और अदर टाटा ब्रांड से आपकी शॉपिंग होती है तो आप ये कार्ड लीजिए। और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं, आपको ले लेना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट UPI फीचर, वो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी दूसरे कार्ड है और ये आपको लाइफ टाइम फ्री नहीं मिल रहा है, लाइक अगर फ्लिपकार्ट का कार्ड है या फिर आपका अमेजन कार्ड है या एक्सिस बैंक का एयरटेल कार्ड है तो आपको बिग बास्केट पे उसमें वैसे भी 10% का कैशबैक वो सीधा स्टेटमेंट में मिलता है। इसमें न्यू कॉइन है वो आपको 3 महीने के बाद आके वापस मिलेंगे,
तो उससे अच्छा है कि आप अगर पे करना पड़ रहा है तो आप मत लीजिए, और वो अगर कार्ड है तो आप लीजिए। अगर यूपीआई इज़ द ओनली थिंग, जो अगर आपके पास नहीं है कोई कार्ड तो उसके थ्रू लेना चाहिए आपको। इसके अलावा एक और फीचर है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, कि आपको अगर बैंक, अगर आपने एनपीएस में पे करते हैं, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वहाँ पे अगर आप पे करते हैं Tier 2 अकाउंट में, अभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट उन्होंने आरबीआई ने मना कर दिया, आप सिर्फ Tier 1 में ही क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, क्योंकि वहाँ पे यूपीआई अलाउड है, और Tier 2 में यूपीआई से आप पे करते हो और आपका ये रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली आप Tier 2 में भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आपको, और आप वो बात ध्यान रखिए कि यूपीआई पे कोई सर चार्जेस नहीं लगते, क्रेडिट कार्ड पे आपके चार्जेस लगते थे 0.75% प्लस टैक्स के बराबर आपको क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजेक्शन लगते थे, लेकिन यहाँ पे आप यूपीआई से करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन फीस एक तो नहीं लग रही है, और 1.5% रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अगर आपके पास इन्फिनिटी कार्ड है और प्लस कार्ड है तो 1% रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब आप इन्वेस्ट करने में भी आपको 1 या 1.5% का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे हिसाब से। तो आप ये अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, तो आपको ये कार्ड ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कार्ड है दूसरे कार्ड, और यहाँ पे अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो, और अगर आप टाटा के ब्रांड्स पे इतना शॉपिंग नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड आपको नहीं लेना चाहिए। तो यही मेरा कंक्लूजन था, यही की टेकअवेज है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कार्ड आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर में जाकर टाटा न्यू ऐप डाउनलोड करिए, और वो जब आप डाउनलोड करेंगे, आपका फ़ोन नंबर और ओटीपी से उसको लॉगिन करिए, और उसके बाद उसके फाइनेंस सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे जाके आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए। और वहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे कार्ड्स की डिटेल मिलेगी, प्लस क्रेडिट कार्ड की या इन्फिनिटी कार्ड की, आप जो भी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो आप सीधा ही देख सकते हैं कि वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है या आपको उसके पे करना पड़ेगा। तो आप जो भी कार्ड एलिजिबल होंगे वो वही कार्ड आपको दिखाएगा, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है ये लाइफ टाइम फ्री है, तो फिर आप इसको एज ए लाइफ टाइम फ्री कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं लिखा हुआ और वहाँ पे उसके चार्जेस लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको उसके पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके क्या बेनिफिट हैं वो भी आप सारी डिटेल्स उस ऐप में ही आप दे सकते हो, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद भी वो सिर्फ 90 सेकेंड लेता है, वो अप्लाई करने के बाद कई बार वो फेल भी होता है। आई थिंक टाटा न्यू का ऐप इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद ये आपको शायद पहली बार में ही हो जाए। और उसके बाद आप अपने डिटेल्स डालिए, और अगर आपका बैंक के डिटेल वो फेच कर पाते तो वो सीधा अप्लाई हो जाएगा, आपको और कुछ डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशंस हो या कोई बात मैंने मिस कर दी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई ट्राई टू इम्प्रूव इन फ्यूचर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।